हेलो एवरीवन नमस्कार सत श्रीकाल आदाब मैं हूँ अर्षदीप स्वागत है आपका एक बार से एंटरटेनमेंट चैनल में और आज की वीडियो होने वाली है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर हाउ टू रजिस्टर कोर्सेज़ इन लंगारा कॉलेज इफ यू आर कमिंग टू लंगारा कॉलेज जो मुझे नहीं जानते आई एम डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा एंड दिस इज़ माई फोर्थ सेमेस्टर इन लंगारा एंड uh, जब मैं न्यू आने वाली थी तो मुझे भी नहीं पता था कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है कोर्सेज़ की क्या सिस्टम रहता है तो आज मैं आपको पूरा उसका प्रोसेस बताने वाली हूँ कैसे कोर्सेज़ को रजिस्टर करना है कैसे आपको सी uh, आर देखना है उसका और uh, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है सो देर विल बी होल गाइड स्टे ट्यून इन द वीडियो एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और uh, नीचे जो थम्सअप का बटन आप वीडियो को देखने के बाद ही कर देना तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमें कैसे चेक करना है कि हमें कौन कौन से कोर्सेज़ उठाने हैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं यहाँ पर आने वाली थी मुझे ये तो पता था कि आई एम डूइंग डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जो कितने कोर्सेज़ हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो मुझे ऑप्ट करने हैं और क्या उसके क्रेडिट सिस्टम है कौन सा मुझे कैसे तो मुझे कुछ नहीं पता था तो सबसे पहले आपका जो सा भी प्रोग्राम है उसे आपको लंगारा के पोर्टल पर जाकर चेक करना है प्रोग्राम एंड प्रोग्राम एंड कोर्सेस में जाकर जो भी आपका प्रोग्राम है उस पर क्लिक कीजिए और आपको पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी उसकी आई विल शो यू इन द वीडियो ओके तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे कौन सा प्रोग्राम है उसके लिए आप सिंपल गूगल पर जाएंगे लंगारा लॉगिन आप चाहिए लंगारा की वेबसाइट आपके आगे आ जाएगी होम पर जाइए और ये यहाँ पर पोर्टल खुल चुका है हमारे आगे यहाँ पर आपको टॉप पर देखेगा प्रोग्राम एंड कोर्सेस वहाँ पर हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पर जितने भी कॉलेज में आपको जोन से भी कोर्सेज़ हैं जो भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर सब आपको दिखाई देंगे तो फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है अगर मैं कर रही हूँ मान लीजिए मेरा है बिज़नेस मैनेजमेंट सो बिज़नेस मैनेजमेंट पर गए इसके नीचे आपको सब के सब यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप क्या सीखने वाले हो कौन कौन से इसके आप डिप्लोमा कर रहे हो उसमें या फिर आप बैचलर्स कर रहे हो आप अकाउंटिंग में कर रहे हो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो आपको नॉर्मली बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा है मेरा मैंने इस पर क्लिक किया मेरे अगर एक और जो खुल चुका है अब इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कोऑपरेटिव तो मेरा नॉर्मल है अगर आपको ऑप कर रहे हैं तो आप वो भी खोल सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर गए आपके नीचे पूरा उसका जोन से भी आपको कोर्सेज़ करने हैं वो सब के सब आ जाएंगे सो so, ये टोटल इन टोटल ट्वेंटी कोर्सेज़ हैं आप यहाँ पर देखें जैसा कि ये ऑल ऑफ तो जहाँ पर भी ऑल ऑफ़ है इट मीन्स कि आपको ये सभी के सभी कोर्सेज़ करने हैं जैसे कि बी कैप ट्वेल्व हंड्रेड विच इज़ बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन इसके क्रोडेंशियल्स आपको साइड में दिए गए हैं जैसे कि थ्री क्रेडिट्स जो आपको मिल रहे हैं बी कैप ट्वेल्व हंड्रेड के ऐसे ही अगर आप नीचे जाओगे ये आपको सभी के सभी करने हैं इसके नीचे यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर दिया हुआ है वन ऑफ़ तो यहाँ पर था ऑल ऑफ़ मतलब आपको ये सभी करने हैं जहाँ पर आपको वन ऑफ़ दिया गया है मतलब आपको इनमें से कोई एक करना है तो ये आपकी टोटली totally, आपकी चॉइस होगी कि आप इनमें से कौन सा करना चाहोगे जैसे कि वन ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स है तो मैंने स्टैट वन वन टू थ्री किया था विच इज़ बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस तो इसी तरह से वन ऑफ एफ एम जी टी है विच इज़ अकाउंटिंग वन ऑफ इकोनॉमिक्स है आप प्रिंसिपल ऑफ़ माइक्रो इकोनॉमिक्स कर सकते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स इट्स टोटली अपॉन यू आपको वन ऑफ इंग्लिश करनी होगी वन ऑफ़ मैथ्स करना होगा एंड इसके अलावा यहाँ पर है टू बिज़नेस इलेक्टिव्स तो कोई भी आपको कोई भी ऐसे दो कोर्सेज़ करने हैं जो बिजनेस के रिलेटेड हों और उसके क्रेडिट्स आपको सिक्स मिलेंगे टू कोर्सेज हैं मतलब थ्री ईच तो आपको यहाँ पर दिया गया है एनी बी कैप कोर्स एक्सेप्ट ये कोर्सेज़ के अलावा आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हो और कोई भी टू जनरल एजुकेशन इलेक्टिव जो आपके बिज़नेस के अलावा यूनिवर्सिटी ट्रांसफरेबल हो आपको कोई दो ऐसे कोर्सेज़ करने हैं कुछ भी ही हो सकता है अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है आप फोटोग्राफी ले सकते हैं मैंने सोशियोलॉजी किया था और फ्रेंच किया था इट्स टोटली अपॉन यू आप कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये तो हो गया सारा कि आपको कैसे अपने क्रेडिट्स वगैरह देखने हैं और यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं कि आपका पूरा जो डिप्लोमा है वो आपको सिक्सटी और सिक्सटी थ्री क्रेडिट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है तो आपका पूरा डिप्लोमा जो है वो सिक्सटी क्रेडिट्स का है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको यू नो you know, कि कौन सा आपका प्रोग्राम है उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आपको करने हैं तो इट विल गिव यू एन आइडिया अब इसमें से अगर आप देख लीजिए मैं चूज़ करती हूँ बी एस एम हंड्रेड तो उसके नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको कि इतने टाइम का लेक्चर है एंड लैब इसमें ज़ीरो है इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा क्या अगर आप उसमें और उसकी इन्फो में जाओगे तो आपको पूरा कोर्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके कोर्स में प्री लेक है या फिर नहीं दैट इज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम आपको जो ये रिक्वायरमेंट है आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी या फिर जो लंगारा का इंग्लिश टेस्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर uh, स्कोर है आपको वो लेना पड़ेगा तो इन कोर्सेज में जो यहाँ पर जैसा कि गया आप देख सकते हो आप एल मिनिमम विद लेवल ऑफ थ्री सो एल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है Uh, अगर आप एल e. नहीं देना चाहते तो आपको uh, जो इंग्लिश का कोर्स करना पड़ेगा एलेवन ट्वेंटी जिसका मिनिमम ग्रेड आपका सी आना चाहिए uh, तो जाकर उनको क्लियर करने के बाद आप जो ये बी एस एम वन वन फाइव जो कोर्स है इसे ऑप्ट कर सकते हो तो ऐसे ही आप हर कोर्स के नीचे जाकर देख सकते हो कि किसकी रिक्वायरमेंट क्या है और uh, इस तरह से आपको पूरी गाइड मिल जाएगी कि आपको कौन सा कोर्स जो है वो ऑप्ट करना है सो दिस वॉज ऑल कि आप कैसे अपने प्रोग्राम कोर्सेस को देख सकते हो आपको कौन कौन से कोर्सेज़ ऑप्ट करने हैं उनके कितने क्रिडेंशियल्स हैं आपको सब कुछ पता चल जाएगा और जब अब आपके पास आपके पास पूरी लिस्ट है कि मुझे ये ये कौन कोर्सेस हैं जो मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ इसमें मुझे एल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का तो रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाती है वन एंड हाफ मंथ पहले अब मान लीजिए कि मैं फॉल सेमेस्टर में हूँ मेरी स्प्रिंग जो जन्म वाला सेमेस्टर है उसकी रजिस्ट्रेशन नवंबर के लाइक मिड में स्टार्ट हो जाएगी और आपको अपना रजिस्ट्रेशन टाइम एक्टिव करना होता है आपका टाइम आ जाएगा वहाँ पर कि आपको इस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन टाइम स्टार्ट हो जाएगा मेक श्योर sure कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन टाइम स्टार्ट हो आप अपना लैपटॉप लेकर रेडी हो अपनी लिस्ट के साथ अपने सी के साथ ताकि आप जैसे ही आपको मौका मिले आप वैसे ही अपनी क्लास सेलेक्ट कर सको बिकॉज कोर्सेज़ जो हैं बहुत जल्दी वेट लिस्ट में चले जाते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्सेज का मिलना तो अब आपके पास लिस्ट है आपके कोर्सेज़ की तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ विच इज़ हाउ टू रजिस्टर कोर्सेस सो so, अब अगर हमें रजिस्ट्रेशन पर जाना है तो आपको जाना है लॉग पर टॉप राइट कॉर्नर पर आपको यहाँ पर जाना है एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर यू विल असेस टू योर ऑफिस 365 आपकी ईमेल जो आपकी कॉलेज की ईमेल है यहाँ पर अब स्पेस जिसके अंदर आपके कोर्सेज होंगे जहाँ पर आपको जाकर आपके असाइनमेंट्स आपके सारा क्लास वर्क जो भी यहाँ पर होगा एंड दिस इज़ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आईडी और आपका पासवर्ड जो है उसे फिलअप करना है सो so, जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे आपके आगे ये पोर्टल खुल जाएगा मेन मेन्यू स्टूडेंट्स uh, पर आपको जाना है और यहाँ पर टोटली totally, जो भी आपकी यू नो इनफो है आपके मान लीजिए कोर्सेज के रिलेटेड आपके प्री आपका टेक्स फॉर्म सब कुछ यहाँ पर आपको आपको मिल जाएगा और फॉर सम रीज़न अभी उन्होंने बंद किया हुआ है ऑप्शन और ये मेरे पास पुरानी फुटेज थी मेरे मोबाइल की तो आपको नॉर्मल सर्च फॉर कोर्सेज पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके आगे आ, आपके सेमेस्टर होगा आपको चूज़ करना है आप कौन से सेमेस्टर के लिए चूज़ कर रहे हो कोर्सेज तो स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर मैंने सेलेक्ट कर लिया है जो है जैन जैन का इनटेक और इसके बाद हम सबमिट सेमेस्टर पर करेंगे इसके बाद आपके पास ये पूरा एक आ जाएगा यहाँ पर आप अपनी पूरी इन्फो भर कर आप अपने कोर्सेज को जो है आ, सर्च कर सकते हो तो मैंने जैसा कि सब्जेक्ट पर जाकर आ, मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे कौन कौन सा यहाँ पर आपको सभी जितने भी कोर्सेज हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं कॉलेज में सब दिखाई देंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट को सिलेक्ट किया और इसके बाद मैंने गेट कोर्स पर क्लिक कर दिया अब मेरे पास बिज़नेस के जितने भी बिज़नेस मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं वो सब यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे जैसे कि हमारा बिज़नेस एलेवन हंड्रेड है तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा सीट्स कितनी अवेलेबल है वेट लिस्ट में कितना है सी आर एन उसका जो भी है आप उसको नोट डाउन कर लें उसके आगे सिलेक्ट का ऑप्शन है उसे टिक कर दें और इसका लेक्चर आपको दिखाई देगा डेज मंडे वेंसडे अगर एम डब्ल्यू है अगर उसे थर्सडे है तो टी आर लिखा है फ्राइडे के लिए एफ़ यूज़ किया गया है उसके आगे उसकी टाइमिंग्स हैं और उसके बाद रूम और इंस्ट्रक्टर के नेम्स भी हैं तो यही है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये ज़रूर चेक करें आपने टाइमिंग्स चेक करें अपना डेज देखें आपको किस दिन कॉलेज चूज़ करना है उसके बाद अपने इंस्ट्रक्टर्स देखें कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्टर्स जो है वो मिल रहे हैं तो इस तरह से आप अपनी पूरी जो है एक वेट लिस्ट सॉरी आप एक अपना पूरा जो है कोर्स का सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे ही आप जितना नीचे जाओगे आपको सभी बिज़नेस के जितने भी कोर्सेज हैं वो दिखाई देंगे तो ये तो हो गया कि आप कैसे कोर्सेज़ को चूज़ करोगे उनका सी आर एन वगैरह आप कैसे देखोगे उसके बाद आपको जाना है रजिस्टर एड एंड ड्रॉप कोर्सेज पर यहाँ पर आपको सीधा नीचे जाकर सी आर एन आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा अलग अलग कोर्सेज का वो आपको यहाँ पर नॉर्मल आकर यहाँ पर उसका सी आर एन जो है वो भर देना है और उसके बाद मेक श्योर sure आप सबमिट ट्रांजेक्शन ज़रूर करें सो so बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये भी पूछते हैं कि आप रेट माई प्रोफ़ेसर बताते हो तो उसको यूज़ कैसे उसको कैसे वहाँ से हमें प्रोफेसर को ढूँढना है तो आपको सिंपल गूगल पर जाना है आपको सर्च करना है रेट माई प्रोफेसर आपके आगे ये खुल जाएगा आपको जाना है यहाँ पर और आपका स्कूल आपको अपना यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम करना है फिर और यहाँ पर आ गया प्रोफ़ेसर नेम अब मान लीजिए कि मेरा अभी मेरी एक प्रोफेसर है कम्युनिकेशंस की तो सेंड्रा फ्रीजन तो आप देख सकते हैं मेरे आगे यहाँ पर आ गया कि इंग्लिश की, की प्रोफ़ेसर है लंगारा कॉलेज में तो क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मेरे आगे उनकी रेटिंग्स आ चुकी हैं कि फाइव में से फोर पॉइंट वन रेटिंग है उनकी विच इज़ लाइक ओवरऑल इनको ट्वेंटी रेटिंग्स तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि कितनी रेटिंग्स में से उनको ये रेटिंग दी गई है और लेवल ऑफ़ डिफिकल्टी यहाँ पर थ्री पॉइंट फोर है uh, नीचे बच्चों ने जो रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं कि कैसा लगा उनको उनकी क्लास में एंड ऑल तो दिस इज़ समथिंग Uh, यहाँ से आप अपना पूरा जो देख सकते हो प्रोफेसर्स का ऐसे ही मेरे जो मैथ्स के प्रोफेसर थे हम तो उनका भी चेक कर सकते हैं सो या सो उनकी यहाँ पर आ रही है रेटिंग फोर पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक द रेटिंग्स ऑफ योर प्रोफेसर

रही बात तो आप यहाँ पर आओगे आपके फ्रेंड्स होंगे आपका फ्रेंड सर्कल होगा आप उनसे भी पूछ सकते हो कि यू you नो know, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी कि ये प्रोफेसर कैसा है इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे टिल दैट टाइम इतनी टेंशन मत लो आ, सब कुछ हो जाएगा जस्ट जे पॉजिटिव और आ जाओ लंगारा में जल्दी आपसे मिलते हैं सबसे और थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए अगर आपने देखा कुछ भी वीडियो में इंफॉर्मेटिव लगता है कुछ भी अच्छा लगता है तो नीचे थम्स अप का बटन है उसे जाकर प्रेस कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ टिल द टाइम टेक केयर अपना ध्यान रखें अपने चाहने वालों का ध्यान रखें मिलती हूँ आपको जल्द ही एक नई वीडियो में टिल दैट टेक केयर बाय बाय